तो फिर से स्वागत है आपके आप सभी के चैनल सक्सेस बिंदु में। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं फंक्शन के जो की होते हैं उसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो मैं बता दूं कि फंक्शन की में 12 की होते हैं। जो फंक्शन ऐप का वर्क है वो हेल्प यानी किसी चीज़ का मदद की ज़रूरत हो तो एफ1 का क्लिक करेंगे तो एफ1 क्लिक करेंगे तो वो हेल्प का ऑप्शन दे देगा। अब बात करते हैं F2। F2 रीनेम, फाइल को रीनेम करना है दूसरे नेम में फोल्डर को तो F2 का क्लिक करेंगे। अब बात करते हैं F3। F3 का यूज हम सर्चिंग, किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए F3 का यूज हम करते हैं। F4 का यूज हम Alt+F4 के साथ करते हैं, जिसे कंप्यूटर बंद करने के लिए यानी शट डाउन करने के लिए करते हैं। अब बात करते हैं F5। F5 का यूज हम रिफ्रेश, कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए करते हैं। अब बात कर लेते हैं F6। F6 का यूज हम हाईलाइट एड्रेस बार को हाईलाइट करने के लिए F6 का यूज करते हैं। अब बात करते हैं F7। F7 का यूज चेक स्पेलिंग, किसी भी स्पेलिंग में गलती हो तो उसको चेक करने के लिए F7 का यूज करते हैं। अब बात करते हैं F8। F8 का यूज बूट मेनू लाने के लिए F8 का यूज करते हैं। अब बात करते हैं F9। F9 का यूज रिमूव सेलेक्ट आइटम को रिमूव करने के लिए F9 का यूज कर सकते हैं। किसी चीज़ को सेलेक्ट किया तो उसे रिमूव करना है तो F9 का यूज हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं F10। F10 का यूज Shift+F10 के साथ करते हैं। जो माउस का राइट की बटन होता है उसका कार्य F10 करता है। शिफ्ट के साथ F10 दबा देंगे तो माउस का राइट क्लिक का सारा कार्य करेगा। अब बात करते हैं F11। F11 का यूज फुल स्क्रीन, किसी भी चीज़ का फुल स्क्रीन करना हो तो उसे F11 दबा देंगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगी। अब बात करते हैं F12 का यूज सेव एज, किसी भी फाइल में